ये क्वेश्चन है के मैप का। इसमें देखना फोर वेरिएबल हैं ए बी सी और डी। तो फोर वेरिएबल के लिए के मैप में हम 16 टोटल 16 ब्लॉक्स का ये के मैप बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करेंगे। के मैप में नंबरिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये फोर वेरिएबल की मैप है। ए बी और सी और डी आपने देखा, ए बी को इधर डालो और सी डी को यहाँ पे। ठीक है, ये लोकेशन है 0 0 0 1 1 1 1 0, ऊपर भी 0 0 0 1 1 0 सॉरी 1 1 1 0। तो इसका मतलब ये हो गई ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ये हो गया सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। अब इसमें देखना है कि क्योंकि ये सिंबल बता रहा है कि ये एस ओ पी है। एस ओ पी मतलब होता है इन प्लेसेस में हमने वन पुट करना है। तो 1 पे 1 किया, 3 पे 1 किया और 4 पे 1 किया, 5 पे 1 किया, 6 पे 1 किया, 7 पे 1 किया, 12 पे 1 किया और 13 पे 1 किया। अब इसमें देखो कि कोई ऑक्टेट बन रहा है। ऑक्टेट मतलब 8 का ब्लॉक, या कोई क्वाड बन रहा है। क्वाड मतलब 4 का ब्लॉक, या कोई पेयर बन रहा है। पेयर मतलब 2 का ब्लॉक। और हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम ब्लॉक बनाना है। तो इसमें सबसे पहले देखना है, एक तो ये बन रहा है क्वाड, ठीक है, और एक ये बन रहा है क्वाड। अब बचे ये दो, इन दोनों के साथ पेयर भी बन सकता था, लेकिन हमारा काम होता है मैक्सिमम बनाना, तो हम इसमें भी एक क्वाड बना लेंगे। तो इसमें टोटल एक क्वाड ये, एक क्वाड ये और एक क्वाड ये, 3 क्वाड बने हैं। तो अब इन तीनों को का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा हमको, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो इसका एक्सप्रेशन होगा, सबसे पहले ये लो, इसमें देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ए बार और बी। ठीक है, तो पूरा का पूरा ए बार भी ले लिया, और ऊपर में 4 हैं 1 2 3 4, इन चारों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस पूरे क्वाड का हो गया एक्सप्रेशन ए बी। अब हम ये लेंगे, इसमें देखो कौन कौन से रो इन्वॉल्व हैं, ये और ये, ये और ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी। ऊपर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये और ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, सी बार। तो इस वाले कार्ड क्वार्ट का हो गया बी सी बार। अब ये वाला लो, इसमें लेफ्ट साइड से देखो इन दोनों इन्वॉल्व हैं, कॉमन क्या है, ए बार। ऊपर देखो ये दोनों इन्वॉल्व हैं, कॉमन क्या है, डी। तो इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया ये, ए बार प्लस बी सी बार।